क्या हुआ? गाड़ी को रोका? हैरी और सैंडी। हैरी और सैंडी? तू पागल हो गया मोंटी? अरे वो चुड़ैल एक साथ 21-21 भेड़े खाता है, तो क्या आदमी नहीं खाएगा? तू उधर नहीं जाएगा, उधर जाएगा तो मर जाएगा। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट। चल 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 चल। मिस्टर ससुर, वो अपुन का दोस्त लोग है। पागल हो गया वो, दोस्त लोग के लिए आज अपना जान देगा। और वो दोस्त लोग जो उसको बुरा भला कहता है, गाली देता है, उन दोनों को ये नहीं पता कि मोंटी ने उन दोनों के लिए क्या क्या किया। दोस्त लोग का फिल्म बनाने के लिए 3 करोड़ लिया वो बादशाह भाई से, वो पैसा वापस नहीं किया तो बादशाह भाई ने उसको अपना कुत्ता बना लिया, उसको मारा, गाली दिया। अरे क्या क्या नहीं किया मोंटी के साथ। 7 ईयर्स, अरे 7 ईयर्स बादशाह भाई का झूठा खाकर जिंदा रहा मोंटी। अंदर से पूरा टूट गया था वो, अपना दिल अपना जमीर को मारकर जिंदा रहा वो। और उसको जब इधर का एड्रेस मिला तो बादशाह भाई का 3 लाख रुपए चोरी करके इधर आया। लाइफ में इतना बड़ा रिस्क लिया वो। काय को मैं पूछा उसको, काय को? मिस्टर ससुर, अपन ने लाइफ में 2 ही चीज कमाया, एक हैरी और दूसरा सैंडी, और सलाह अपन की वजह से उनकी लाइफ का। लेकिन अब उन्हें ठीक करेगा। वह अपने दोस्त लोग को एक बहुत बड़ा फिल्म डायरेक्टर बनाना चाहता था, उनका लाइफ सेटल करना चाहता था। सैंडी! लेकिन अंकल, आपने उन्हें सब क्यों नहीं बताया? फ्रेंडशिप में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के लिए क्या क्या किया, ये को बताने का जरूरत नहीं है। इन लोगों को देखा था तो लगा था कि इन फ्रेंडशिप देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज मोंटी के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अपना बेटी के लिए खुश हूँ कि उसने मोंटी से शादी किया। लेकिन अंकल, आपकी बेटी शीला अपने बच्चे के साथ किसी और आदमी के साथ रहती है। इनफैक्ट मोंटी सर को उसने डिवोर्स दे दिया। शीला दुबई में काम कर रही है, अगर वो काम नहीं करेगी तो पैसे कैसे कमाएगी, और अगर वो पैसे नहीं कमाएगी तो तुम्हारा ऑपरेशन कैसे होगा? फोन तो कर सकती थी वो। मेरा बेटी मेरे को वेस्ट बोल के छोड़ दिया, लेकिन मोंटी। अंकल आप कहाँ जा रहे हैं? बहुत बार सोचा कि मोंटी के कान के नीचे जोरदार बजाएगा, लेकिन दामाद को कैसे मार सकता है? लेकिन आज एक बेटे को तो मार सकता है।